भारत के हाथों शिकस्त पर शाकिर ने क्रिकेट ने कौमी टीम को खरी खरी सुना दी। बोली इस पर अवाम ने शाहिनों ने किस अंदाज में शिकवा किया, आपको दिखाते हैं। बात है इंडिया से मैच हार गए हैं, इनको तो घर में बुला लेना चाहिए, इनकी तनख्वाह भी काटनी चाहिए। हमारे जज्बात के साथ ये खेलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। इन लोगों ने हमारा नाम डुबवा दिया है, हमें तो हम ये उम्मीद नहीं है, या तो ये टीम खत्म कर दें या तो कोई नए लड़के और अच्छे रखे। बाबर आजम से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन लोगों ने हमारा नाम रोशन करना था, आज वही नाम डुबा रहे हैं। 120 नहीं बना सके यार, ये लोग सारी लोग हैं कितने यार, भरोसा उठ गया पाकिस्तानी टीम से भैया। समझ नहीं आती जीता हुआ मैच कैसे हार गए हैं। पाकिस्तान इतनी दुआएं करता है टीम के लिए, तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी पता नहीं क्या मसला हो जाता है, जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की सारी टीम को बैकिक आउट करे और नई टीम हायर करे जो यंग जनरेटर हो। इन लोगों को 120 का टारगेट जो है वो अगर गली मोहल्ले के बच्चों को भी देना तो वो भी जीत जाए। समझ नहीं आती कि कप्तान जो है हमारे बाबर आजम वो किस प्लानिंग के तहत गेम खेले। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास, कहाँ गए वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। इन लोगों को आगे मैचेस खेलने नहीं चाहिए और वापस आ जानी चाहिए। रात को जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दिखाई, खसूसन बैट्समैनों ने, उन्होंने बॉलरों की जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर दिए। इन बैट्समैनों को हम सुपरस्टार कहते हैं, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो भी नहीं चल सके। अब रिजवान बाबर आजम को आराम देना चाहिए T20 से कम अज कम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।